देवनगरी हरिद्वार में कावड़ मेले की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है, जिसको लेकर शासन प्रशासन सभी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। कैबिनेट मंत्री ने बैठक में कहा कि ईश्वर ने आपको कावड़ मेले के निमित्त लोगों की सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए आप अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हुए कावड़ मेले को सकुशल संपन्न करें। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कावड़ यात्रा का अब तक का जो इतिहास रहा है उसका आम जनमानस में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही कावड़ यात्रा संचालन के लिए जितने भी अधिकारियों की तैनाती की गई है उनके मोबाइल नंबरों का भी प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बैठक को लेकर कहा कि बैठक में यात्रियों के रुकने ठहरने से लेकर सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई है। कावड़ी भगवान शंकर के अन्य भक्त होते हैं, इसलिए मेले में उन पर हेलीकॉप्टर की मदद से पुष्प वर्षा की जाएगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हमने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि मेले में आने वाले यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये समय उनकी रोजी रोटी कमाने का होता है। समीक्षा बैठक हुई है, इसमें पूरी तैयारियां हैं और इसमें जो ट्रैफिक प्लान की स्थिति हमने उसकी जानकारी प्राप्त की और यात्रियों के ठहरने और मार्किंग की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। जो क्षतिग्रस्त रोड है उनकी मरम्मत हो रही है और डामरीकरण हो रहा है, कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसके साथ साथ कावड़ियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोगों ने जायजा लिया है, जगह जगह कैंप बनेंगे और लोगों की जो है व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ मैंने आदेश दिए हैं कि हेलीकॉप्टर से जो है कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाए। जो कावड़ी यहाँ आते हैं वो भगवान शंकर के भक्त होते हैं, उनका अभिवादन करना सत्कार करना हमारा धर्म है। इसके साथ साथ मैंने कहा है कि लोकल मर्चेंट जो है स्थानीय जो यहाँ पर व्यापारी हैं उनके हितों की भी रक्षा की जाए, क्योंकि ये रोजी रोटी कमाने का उनका एक अवसर होता है, तो उनके हितों की भी रक्षा की जाए। इस प्रकार से पूरी समीक्षा बैठक हुई है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।